यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि गूगल क्लासरूम किस तरीके से बनाया जाए। जैसे कि आप ऑनलाइन किसी को पढ़ाना चाहते हैं, तो यूट्यूब के अलावा आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं किसी को, यूट्यूब के से नहीं पढ़ा सकते, गूगल क्लासरूम क्रिएट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से गूगल क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जीमेल आईडी पे जाना है, अपना जो भी अकाउंट है उसकी जीमेल आईडी पे जाइए। जैसे कि मैं अपनी जीमेल आईडी पे जाता हूँ, जैसे कि ये मेरी जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी लॉगिन हो रखी है। इसमें यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है गूगल एप्स, इसमें आप जाइए। गूगल एप्स में आपको जैसे कि यहाँ पर दिखेगा, नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर क्लासरूम, ये आपको सेलेक्ट करना है। इसी पर आप क्लिक कर दीजिए क्लासरूम पर। जैसे ही आप क्लासरूम पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास में ऑप्शन खुलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने दो क्लास क्रिएट कर रखी है, एक 10th क्लास की मैथमेटिक्स और एक टेक्निकल क्लास इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ पर आप क्या है, अगर आप कोई क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कोई क्लासरूम क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ प्लस वाले चिन्ह पर लगाइए। प्लस वाले में दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप कोई क्लास क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई क्लास ज्वाइन करनी है, तो मैं यहाँ पर दबाऊंगा और यहाँ पर मेरे पास में एक कोड होगा जो टीचर के द्वारा दिया जाएगा, उसे मैं टाइप कर दूंगा तो ये ज्वाइन हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट करके बता देता हूँ, जैसे कि एक क्लास में क्रिएट करना चाहता हूँ कि मैं किसी को साइंस पढ़ाना चाहता हूँ या फिर मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहता हूँ कंपटीशन के लिए, तो मैं यहाँ कर दूंगा क्रिएट क्लास। और यहाँ पर जैसे कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। क्लास का नेम डाल देता हूँ मैं मैथमेटिक्स, कंपटीशन मैच डाल देता हूँ कंपटीशन मैथमेटिक्स या मैथ्स डाल देता हूँ। सेक्शन डाल देता हूँ कि जैसे सेक्शन मेरा फर्स्ट सेक्शन है, सब्जेक्ट का नाम मैंने डाल दिया क्या है, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन मैथ, तो मैथ्स यहाँ पर कंपटीशन मैथ आ जाएगी। और रूम नंबर डाल देता हूँ कि जैसे कि रूम नंबर कुछ भी जो भी मुझे डालना है, जैसे रूम नंबर 3 डाल दिया। क्रिएट मैं कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरी क्लास क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर नेट्स वगैरह वजह से तो ये मेरी कंपटीशन की मैथ क्लास क्रिएट हो गई है। क्रिएट होने के बाद में मेरे पास में यहाँ पर क्या दिखाएगा, क्लास कोड दिखाएगा। ये क्लास कोड स्टूडेंट को बताना है जिसे ये क्लास ज्वाइन करनी है। जैसे कि ये क्लास कोड है, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ये मान लो दूसरे स्टूडेंट को बताना है वो किस तरीके से ज्वाइन करेगा, तो मैं ये कॉपी करके एक स्टूडेंट ज्वाइन करके बता देता हूँ। जैसे दूसरा एक स्टूडेंट मैंने कोई लॉगिन किया, जैसे दूसरा एक स्टूडेंट है, जैसे कि ये एक स्टूडेंट है, इसको मैंने लॉगिन किया, तो इसकी जीमेल आईडी में लॉगिन करूंगा मैं। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर क्लासरूम में जाएंगे गूगल एप्स के, मैं क्लासरूम में गया, यहाँ पर ये क्लासरूम है इसमें गया, और इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये ऑप्शन है, जैसे कि ज्वाइन का ऑप्शन है तो ज्वाइन क्लास कर देंगे, और जो कोड वहां पर कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे, या फिर जो आपका टीचर है वो तो आपको कोड बता देगा, तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये क्लास ज्वाइन हो जाएगी। जैसे कि इस स्टूडेंट ने दो क्लास ज्वाइन कर रखी है, एक तो टेक्निकल क्लासेज इलेक्ट्रिकल के लिए, एक कॉम्पिटिशन मैथ क्लासेज। अब यहाँ पर जैसे कि इस स्टूडेंट के पास में कोई क्लास का वर्क आया है कि नहीं आया, यानी टीचर की तरफ से कोई वर्क दिया है या नहीं दिया, वो है यहाँ पर। कितने लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो यहाँ पर आएगा, और स्ट्रीमिंग में आपके वर्तमान क्लास में क्या अपडेट है वो आ जाएगा, या अपकमिंग में क्या आने वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब किस तरीके से आप अपकमिंग में डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ये क्लास क्रिएट की थी, ये कंप्लीट क्लास क्रिएट की है, यहाँ पर जैसे क्लास वर्क है, पीपल है, ग्रेड है। क्लास वर्क में मान लो देना चाहता हूँ स्टूडेंट को देना चाहता हूँ, तो क्लास वर्क में जाऊँगा मैं। क्लास वर्क में जैसे कि मुझे असाइनमेंट देना है या कोई टॉपिक देना है या कोई क्वेश्चन देना है, तो यहाँ पर क्रिएट में जाऊंगा मैं। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर असाइनमेंट दे सकता हूँ, असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर डाल दूंगा मैं, और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर डाल दूंगा, नंबर ऑफ पॉइंट डाल दूंगा, ड्यू डेट डाल दूंगा कि इतने डेट तक ये सबमिट करवाना है, और टॉपिक्स भी डाल दूंगा कि ये टॉपिक से रिलेटेड ये असाइनमेंट है। दूसरा यहाँ पर पीडीएफ भी डाल सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ साथ में अटैचमेंट करके, जैसे कि मैं एक
अटैच कर देता हूँ यहाँ पर कोई पीडीएफ। और क्वेश्चन भी डाल सकते हैं हम अलग से, ऑल स्टूडेंट के लिए या फिर सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए दे सकते हैं, जो भी काम है या जो भी वर्क है। और दूसरा यहाँ पर इसे मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोई भी मटेरियल आपको डालना है तो मटेरियल चला जाएगा यहाँ पर। और ये जो अटैचमेंट है ये गूगल अटैचमेंट यहाँ पर डालना है, गूगल अटैचमेंट भी डाल सकते हैं इसे। गूगल से आपको कोई चीज़ डालनी है, जैसे कि ये डालना है मुझे तो ये डाल दूंगा मैं, यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो ये यहाँ पर पीडीएफ चली जाएगी स्टूडेंट के पास में। तो ये अटैचमेंट में चली जाएगी फाइल यहाँ पर। और मैंने जैसे डाल दिया कि ये टॉपिक है हमारा वायरिंग रिलेटेड, तो वायरिंग आ जाएगा यहाँ पर, वायरिंग डाल दिया। वायरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये मान लीजिए मुझे स्टूडेंट को भेजनी है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे स्टूडेंट को भेज रहा हूँ मैं, जेबी गुप्ता वायरिंग ऑब्जेक्टिव। तो ये फिर सिर्फ एक स्टूडेंट को भेजना है तो एक स्टूडेंट को जाएगी, जैसे इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने तो सिर्फ एक स्टूडेंट को जाएगी, और स्टूडेंट को भेजना है तो और स्टूडेंट जाएगी, तो सिर्फ एक स्टूडेंट है यहाँ पर तो इसी स्टूडेंट के पास जाएगी। ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, सेंड कर दिया या फिर पोस्ट कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि ये क्लासरूम में चला गया है, टॉपिक्स यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है तो ये क्लासरूम में चला गया है, ये इतनी तारीख को पोस्ट की गई है। इसमें हम बाद में जैसे कि एडिट भी कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ में ये YouTube लिंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कोई भी, जैसे YouTube लिंक के, जैसे ये PDF मान लो YouTube पर पढ़ाई गई है तो साथ में YouTube लिंक भी ऐड कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जैसे कोई भी YouTube लिंक है, जैसे जिस वीडियो के अंदर पढ़ाया गया वो YouTube लिंक ऐड करके उसको भेज सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं ये सर्च कर लेता हूँ, फ्री एजुकेशन बाई PR मैनेजर, तो यहाँ पर कोई वीडियो पढ़ाया गया है तो वहां से ले लेगा। जैसे ये आ गया तो ये वीडियो मैं भेजना चाहता हूँ, कोई सा भी जैसे एनर्जेटिक टाइप भेज देता हूँ तो ये वीडियो भी चला जाएगा। और सेव कर दिया मैंने, तो देखिए यहाँ पर ये PDF हो गया, यहाँ पर हमारा वीडियो हो गया और ये चला जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पीपल, जैसे कि यहाँ पर ये अटैचमेंट है तो इसको अटैच कर सकते हैं, कोई भी पीपल डिलीट करना है ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेड आप उनको बता सकते हैं कि उनका जो ग्रेड कितना बन रही है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब देख लेते हैं उन्होंने स्टूडेंट के पास में गया कि नहीं गया, जैसे इस स्टूडेंट ने ज्वाइन किया क्लास ये, तो यहाँ पर देखें हम कि इस स्टूडेंट के पास में ये क्लास का आया है नहीं आया है, या उसके पास में क्या काम बाकी है अगर उसको करना है वो भी यहाँ पर बता देगा, क्या उसने कंप्लीट कर लिया वो भी यहाँ पर बता देगा। जैसे कि टेक्निकल क्लास इलेक्ट्रिकल की हम देखते हैं, इसमें ये डाला हुआ है यूट्यूब, तो ये आ गई है YouTube के अंदर। और दूसरा एक और क्लास है यहाँ पर, ये कंपटीशन मैथ ज्वाइन की हुई है, तो यहाँ पर ये मटेरियल जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सेंड किया है तो ये आ जाएगा। और इसके अंदर हमारा PDF है और ये हमारा वीडियो है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन है किसी को भी पढ़ा सकते हैं और कोई क्लास क्रिएट करके अलग अलग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे यूट्यूब पर 1700-1800 के आसपास वीडियो है, तो वहाँ पर यूट्यूब पर ढूंढने में परेशानी होती है कि कौन सा टॉपिक का वीडियो कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो
तो यहाँ पर आप क्लास ऑर्गेनाइज करके उन वीडियो को सेपरेट अलग अलग स्टूडेंट को, जिन स्टूडेंट को मैथ की जरूरत है उनके लिए मैथ भेज सकते हैं, जिनके लिए टेक्निकल की जरूरत है उनको टेक्निकल भेज सकते हैं, और जिनके लिए रीजनिंग या फिर और कोई सब्जेक्ट की जरूरत है उनको और सब्जेक्ट भेज सकते हैं। जैसे किसी को 10th की साइंस पढ़नी है तो उन स्टूडेंट का अलग से ग्रुप बना के उनको 10th की साइंस भेज सकते हैं। ऐसा यूट्यूब पर अलग से पॉसिबल नहीं है और यूट्यूब पर थोड़ी भीड़भाड़ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो जाएगा, तो इसका आप यूज कर सकते हैं।